दुनिया में आपने चार किस्म के लोग देखे होंगे। पहले वो जिनके पेरेंट्स अमीर होते हैं और वो भी आगे से अमीर ही बनते हैं, और दूसरे वो जिनके पेरेंट्स अमीर होते हैं लेकिन वो अमीर की बजाय गरीब ही रहते हैं, और तीसरे वो जिनके वालिदैन तो गरीब होते हैं लेकिन वो किसी न किसी तरह अमीर होते हैं, और चौथे वो जिनके पेरेंट्स गरीब होते हैं और वो भी सारी उम्र गरीब ही रहते हैं। क्या वजह है कि कई बार आप करोड़पति होने के बावजूद अपने बेटे को लखपति भी नहीं बना सकते, और कई बार आप कखपति होते हो और आपका बेटा लखपति होता है। सीक्रेट क्या है? बड़ी मजे की वीडियो है, लाइफ स्टोरी है, रियल स्टोरी है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके अपने चैनल असासा जोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज आपके साथ दो रियल स्टोरीज शेयर करता हूँ। पहली स्टोरी है उस लड़के की जिसका वालिद एक ठीक ठाक अमीर आदमी था, और सच्ची बात आपको बताऊँ, मैं खुद उनकी फैक्ट्री में काम करता रहा था, करीब 2014-15 की बात है। और उसके बाद दोस्तों, मैंने वहाँ पे जॉब करते हुए खुद देखा है कि अब्बा जी कहते थे, पुत्र आप भी फैक्ट्री जाया करो, ये जो सारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट है जो सारी फैक्ट्री को कंट्रोल करता है, आप उनके साथ बैठा करो, उनके काम को देखा करो, उनके काम को समझा करो, लड़कों के साथ गपशप किया करो, काम को समझने में मदद मिलेगी, और उसके बाद जब तुम काम को समझ जाओगे तो तुम्हें फैक्ट्री को चलाने में बड़ी आसानी होगी। और दोस्तों, मज़े की बात बताऊं, उस लड़के ने अब्बा जी की बात मान के काफ़ी दिन हमारे साथ गुजारे, लेकिन काम में इंटरेस्ट ना होने की वजह से जल्द ही वहाँ से निकल गया, और उसको शौक था गाड़ियाँ घुमाने का, आउटिंग पे जाने का, चिल करने का, और इसी वजह से आज की डेट में उनकी फैक्ट्री उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे थी, और उनके अब्बा जी ब्लड प्रेशर के, शुगर के मरीज हो के आजकल बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि मैं किन की बात कर रहा। और उसके बाद दूसरी स्टोरी है उसके चचा के बेटे की, जिनकी फैक्ट्री बिल्कुल साथ थी, और उनके चचा के बेटे ने जनाब ठीक ठाक फैक्ट्री को चलाया, और आज उनकी फैक्ट्री रोज़ परोज तरक्की कर रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी टाइम पे देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, और ख़ुद भी ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आप देखें, दोनों स्टोरीज में पेरेंट्स अमीर थे, लेकिन एक का बेटा ग्रो कर गया, बिजनेस को चला गया, बिजनेस को समझ गया, जबकि दूसरे ने बिजनेस को नहीं समझा, और फैक्ट्री, कारखाना, उनकी बिजनेस एम्पायर उस लेवल पे नहीं जा सकी जिस लेवल पे जानी चाहिए थी, और डे बाय डे डाउन हो रही है। वजह क्या है? और यही बात हमारे साथ भी होती है। उनके पेरेंट्स तो अमीर थे, हमारे पेरेंट्स गरीब होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, वो भी हमें कहते हैं बेटा कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, और जो कुछ करते हैं वो क्या करते हैं? सबके पीछे एक ही सीक्रेट है, और वो है लर्निंग का, वो है सीखने का, वो है मेंटोरशिप का, वो है गाइडेंस का। आपने देखा, कई बार आपके सामने मीडिया पे एक नया चेहरा आता है, और आते ही जनाब हर तरफ उसके रौले होते हैं, छा जाता है, हर जगह पर उसके तस्करे होते हैं। आपको ये लगता है कि यार ये तो एकदम आया और आके जनाब इसने मीडिया पे सारा कुछ तूफान बर्पा कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक दिन की मेहनत नहीं होती, एक्चुअली उनके पीछे टीम होती है, उनके पीछे ट्रेनिंग होती है, उनके पीछे मेंटोर्स होते हैं जो उनको गाइड करते हैं। आप मूवीज़ में देखते हैं कि जनाब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो बिजनेस चला रहा है, और एक दिन उसका बेटा मूवी में एंट्री देता है, वो बिजनेस को संभालता है और बिजनेस को एक नए ट्रैक पे लेके जाता है, और उसका बिजनेस ग्रो करता है।
आपको क्या लगता है कि उसका बेटा पहले दिन बिजनेस में आया था? नहीं, वो अपने बच्चों को डे वन से ही बिजनेस के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, अगर इस तरह से होगा तो हमें क्या करना चाहिए और इस तरह से नहीं होगा तो हमारी प्लानिंग में क्या चेंज आएगा। ये सारी लर्निंग होती है और सारी लर्निंग की वजह से एक बिजनेसमैन अपने बेटे को 10, 15, 20 साल तक लेसन्स देता है, टीच करता है, पढ़ाता है और 20 साल के लर्निंग के बाद जब वो मार्केट में आता है तो वो ठीक ठाक किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कई गुना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आता है जिसकी बेस पे वो अपने बिजनेस को ग्रो करता है। और अगर हम गरीब हैं, हमारे पास तो ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, हम कहाँ से लर्न करें? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने करोड़ों कैसे कमाने हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने लाखों कैसे कमाने हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, वी हैव टू ज्वाइन सम मेंटर्स। हमें भी कुछ गाइड चाहिए, हमें भी कुछ ऐसे लोग चाहिए जो हमें बताएं, सारी इंफॉर्मेशन दें। और उसके लिए हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हम चाहते हैं कि कोई हमें सैलरी भी दे और हमें ये प्रीसियस नॉलेज भी दे, लेकिन ये सब कुछ इस तरह से नहीं मिलता। इसके लिए हमें कुछ कुर्बानियां देना पड़ती हैं और अगर आप लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे शख्स को जो रियल में लाखों करोड़ों कमा रहा है। उसके सीक्रेट को जानना पड़ेगा, उसके साथ मिलकर काम करना होगा, डे एंड नाइट उसकी हेल्प करना होगी। और जब आप सब कुछ बगैर पैसे के लालच के करेंगे, सिर्फ नॉलेज के लिए करोगे, सिर्फ लर्निंग के लिए करोगे, तो डेफिनेटली एक वक्त आएगा जो आप सीख जाओगे वो करोड़ों रुपयों से ज़्यादा कीमती होगा। पैसे तो आपको एक बार मिलते हैं लेकिन नॉलेज आप बार बार यूज़ करते हो और उसकी बेस पे आप सारी जिंदगी पैसा कमा सकते हो। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब कुछ एकदम से नहीं होता। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा जादू का जुगाड़ आएगा जिससे मैं फौरन से पैसे कमा लूँगा तो नहीं, ये एक प्रोसेस है। तो पहले आपको हज़ारों कमाने होंगे, उससे पहले आपको 100 कमाने होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जो मैं लर्न कर चुका हूँ वो रियल में एग्जिस्ट करता है, वो एप्लीकेबल है। इसलिए दोस्तों आज की डेट से फैसला कर लें कि अगर आपने फ्यूचर में अर्न करना है, अगर आपने कमाना है, तो टारगेट कर लीजिए किसी ऐसी पर्सनैलिटी को जो आपको फैसिलिटेट करे या ना करे, लेकिन अगर आपको वहाँ से नॉलेज मिल रहा है तो आप आंखें बंद करके उसको फॉलो कीजिए। ऐसी पर्सनैलिटी कोई यूट्यूबर भी हो सकता है, कोई ब्लॉगर भी हो सकता है, कोई फिजिकल बिजनेसमैन भी हो सकता है, कुछ भी हो जो रियल में एग्जिस्ट करे, जिसका बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करे, जो रियल में कमाई करे, और वो अगर आपका मेंटोर बनता है तो आपको लखपति करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों ये फैसला आपका है कि आपने सैलरी कमानी है या बिजनेस में आके लोगों को सैलरी देना है, ये आपने फैसला करना है। दोस्तों आप देखते हैं कि आप क्या फैसला करते हैं और क्या कमेंट करते हैं। आपके फीडबैक अवेट करते हुए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।